दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। सुबह हो गई है, मैं आज उठा हूँ काफ़ी लेट, काफ़ी अच्छी नींद आई है और मौसम बिल्कुल ठंडा सा हो रखा है। सुबह तक कोहरा लगा हुआ था और अभी यहाँ देखो फिर पीछे कोहरा सा आने लगा है, तो ऐसे चल रहा है मौसम। अभी देखो, अभी करते हैं सबसे पहले नाश्ता, जिसका मेरा अभी खैर मन कर नहीं रहा है, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। के मौसम के हाल देखो, धूप लगी है, कोहरा भी है, ऊपर आसमान भी साफ है, यहाँ से कोहरा भी आ रहा है, यहाँ का मौसम खराब है, सारा मिक्स हो रखा है, गजर पचर हो रखा है इसको कहते हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा है दिन तक होगा क्या यहाँ के मौसम के बारे में, मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं कि बारिश होगी कि नहीं। तो फिलहाल मैं करता हूँ नाश्ता और उसके बाद मिलते हैं। गाइस ये रखिए, हमने सामने पे तुलसी, और तुलसी में भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। ये देखो इस पे इसका इस एक इन इन दोनों तुलसी का कलर चेंज है, इसके जो फूल है वो रेड कलर के हैं और इस पे ऐसे हैं। कहते हैं कि इनके अगर बीज ना होने दें तो तुलसी हमेशा हरी भरी होती है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते हैं, मेरे को इसको बस सुना है ये चीज़। और देखो बढ़िया सी तुलसी हो रखी है यहाँ, इस तुलसी के पूरे बीज यहाँ नीचे गिरे हुए हैं और वो पूरे एरिया में तुलसी हो रखी है, जिससे काफ़ी अच्छी सुगंध आती है। वहाँ पक्षी लड़ते हैं तो सुगंध आ जाती है, जैसे वहाँ पे कोई चिड़िया गई खाने के लिए या फिर कोई बिल्ली वगैरह गई, तो वो जब हिलेंगे तो सुंदर सी खुशबू आ जाती है पूरे घर में। देखो कितना सुंदर सा लग रहा है। को मेरी आँखें सूजी हुई तो दिख ही रही होंगी, वो सो सो के हो गया है। मैं आजकल दिन में नहीं सोता हूँ, सीधे रात को सोता हूँ, और तो उस वजह से आंखें भी सूज रखी हैं काफ़ी नींद लेने से। चलो कोई नहीं, आंखें तो कुछ थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी, और तब तक शायद से बॉडी पे एनर्जी भी आ जाएगी जो अभी तक आई नहीं है। मेरी सबसे प्यारी लोकेशन है बैठने की, जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा बैठता हूँ वो ये है, ये वाला पत्थर। यहाँ पे बैठ के मैं इस पेड़ की छाया में, आरू के पेड़ की छाया में सामने का व्यू लेता हूँ बहुत, जो कि बहुत एपिक होता है, बहुत गजब होता है। और यहाँ पे मैं सारे मतलब खाना और चाय यहीं पर पीता हूँ। देखो क्या मस्त व्यू रखा है, और यहाँ पे ठंडी ठंडी सी हवा भी चलती रहती है, और बहुत अच्छी लोकेशन दिखती है सामने पे। लगी है बहुत तेज, देखो सारे जगह धूप लगी है। पहले तक लग रहा था कि आज मौसम बारिश का होगा, लेकिन धूप लग गई है जबरदस्त वाली। और भाई गाना क्या हाल है प्रीतम भाई, लगे हो? आज पानी बोल यार, तुम पीनियो फाटना छिन, फटेगा फटेगा फटेगा, नहीं तो जाएगा कहाँ। ओ निका मैं भी एक वो खान खान। गाइज अभी हो रहा है दिन का टाइम, और पीछे देखो धूप लगी है, तो मैंने फाड़ दी है लकड़ियाँ। यहाँ के मौसम का कुछ भरोसा तो है नहीं, किस टाइम क्या हो जा रहा है, कभी फॉग आ जा रहा है, कभी कोहरा, कभी बादल आ जा रहे हैं, और कभी लग रहा है अभी बारिश होती है, किसी टाइम लग रहा है कि बहुत तेज़ अभी धूप हो रही है बहुत तेज़। मैंने रख दी है लकड़ी फाड़ के, और साथ में कुछ आम काट के इनका बना रहे हैं हम अचार। ट्राई करेंगे पहली बारी हम घर पे आम का अचार बनाने की, हमारे यहाँ अचार होते नहीं हैं, तो हम इनका अचार बना रहे हैं पहली बारी, यानी कि पहली बारी हम आम का अचार बना रहे हैं। आम रखे हैं अभी सुखाने को, और जब ये सूख जाएंगे तो फिर इनको डब्बे में पैक कर देंगे, उन पे मसाला मसाला डाल के फिर बनेगा हमारा आम का अचार। और इसी के साथ मैंने जो लड़कों का सबसे मुश्किल काम होता है ये कपड़े धोने का, ये भी कर दिया है। कपड़े धोना यानी कि एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है हमारे लिए, मुझ जैसे के लिए तो बहुत ज़्यादा, जो मतलब बार बार ही कपड़े चेंज करते हैं, टी शर्ट वगैरह चेंज करते हैं, तो एक साथ एक बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए, तो बहुत आफत आ जाती है। खैर मुझे
अपनी लाइफ में सबसे दो बड़े मुश्किल काम लगते हैं, एक बर्तन धोना और दूसरा कपड़ा धोना, कपड़े धोना। इसके अलावा मैं सारे काम बहुत इजीली कर लेता हूँ, लेकिन ये दो काम करने से पहले सोचना पड़ता है कि मुझे कपड़े धोने हैं और दूसरा बर्तन धोने। हो तो जाता है लेकिन अंदर से मतलब वो जुनून नहीं रहता, मतलब वैसे मन नहीं करता इसको धोने के लिए, तो दो काम बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। और आज खाने में बना रखा है हमने कढ़ी चावल, जिसमें तुड़का लगा रखा है मेथी दाने का, और जो मेरा बहुत फेवरेट है कढ़ी चावल, मेथी का स्वाद ही अलग आता है कढ़ी चावल में। बहुत टाइम बाद टेस्टी कढ़ी खाने को मिलेगी आज। दोस्तों इसी के साथ हमारा खाना भी हो गया है, बहुत टाइम बाद आज कढ़ी खाई, कढ़ी खा के मज़ा आ गया। गाँव से आ रखी थी छाँस, तो मैंने जो कढ़ी थी वो बहुत टाइम बाद खाई, जिसको खा गया आज दिल खुश हो गया, मुझे कढ़ी बहुत पसंद है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को भी यहीं पे तक रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको आपको लगता है उनको आपको वीडियो भेजनी चाहिए, या फिर जिनको ये वीडियो पसंद आ सकती है। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।